तुझे सब है पता मेरी माँ, माँ सब जानती है। माँ का जिक्र हिंदी सिनेमा में बहुत पहले से होता रहा है। मेरे पास माँ है, अमिताभ बच्चन, शशि कपूर की फिल्म दीवार का डायलॉग, मदर इंडिया, माँ के हमने बहुत से रूप देखे हैं। लेकिन अब नेटफ्लिक्स की एक वेब सीरीज आई है माई, उसमें माँ का एक अलग ही रूप दिखा है। ओटीटी की मदर इंडिया कहा जा सकता है उसको। देखिए, साक्षी तंवर इस वेब सीरीज में माई के किरदार में है। सबसे पहले कहानी बता देते हैं, प्रोमो में हम देख चुके हैं कहानी। एक माँ है, उसकी बेटी का एक्सीडेंट हो जाता है। माँ को लगता है कि ये नॉर्मल एक्सीडेंट नहीं है, इसके पीछे कुछ तो साजिश है, कुछ तो गड़बड़ है। और फिर माँ अपनी बेटी के कातिलों का पता लगाने में जुट जाती है कि क्या बेटी के साथ कुछ गलत हुआ था। इस वेब सीरीज का प्रोमो देखकर मुझे याद आई थी श्रीदेवी की फिल्म मॉम की, रवीना टंडन की फिल्म मात्र की, लेकिन ये वेब सीरीज उससे आगे है। जी हाँ, कहानी साक्षी तंवर की है, जो नर्स होती हैं, उनकी बेटी वामिका गब्बी, जो बोल नहीं सकती लेकिन एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, एक हादसे में जान गंवा देती हैं, ट्रक से एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन साक्षी को लगता है कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ होती है, परतें खुलती हैं और कहानी सामने आती है। देखिए, 6 एपिसोड की इस वेब सीरीज में साक्षी तंवर पूरी तरह से छाई हुई है। साक्षी तंवर जिस भी फ्रेम में आती हैं, आप देखते रह जाते हैं। साक्षी का वो दर्द, साक्षी का वो जुनून, साक्षी का वो जज्बा कि मुझे अपनी बेटी के लिए इंसाफ चाहिए, वो पल पल आपको इस किरदार से जोड़ देता है। साक्षी कुछ ऐसे सीन्स में भी नजर आती हैं जो आप सोच ही नहीं पाते कि साक्षी तंवर ऐसा कर सकती है। जी हाँ, कहानी घर घर की से हमने साक्षी तंवर को देखना शुरू किया, वो घर घर में मशहूर हुई, फिर बड़े अच्छे लगते हैं में एक अलग किरदार निभाया, लेकिन अब जो उन्होंने किरदार निभाया ना, वो मुझे लगता है कि उनके करियर का बेस्ट किरदार है। जी हाँ, इस वेब सीरीज की जान ही साक्षी तंवर है। साक्षी तंवर ने इस किरदार को इस खूबसूरती से निभाया है कि आप उनके साथ बहुत जबरदस्त कनेक्ट कर पाते हैं, आप खुद इस खोज में शामिल हो जाते हैं कि अब क्या होगा। जी हाँ, साथ ही इस वेब सीरीज में साक्षी तंवर की बेटी के किरदार में वामिका गब्बी हैं और वो बहुत अच्छी लगी हैं, उनका परफॉर्मेंस भी कमाल का है। रायमा सेन एक नेगेटिव किरदार में है, नीलम नाम का किरदार रायमा सेन ने निभाया है और वो विलन बनकर, वैम्प बनकर बहुत अच्छी लगी। जी हाँ, पहला तो शॉकिंग था रायमा सेन को एज अ विलन देखना, लेकिन उन्होंने इस किरदार को इस तरीके से निभाया है जैसे लग रहा है कि भैया विलन के किरदार निभाने में, नेगेटिव किरदार निभाने में उनकी बहुत जबरदस्त एक्सपर्टीज है। प्रशांत नारायणन इसमें नजर आते हैं, छोटे से किरदार में नजर आते हैं लेकिन छा जाते हैं। सीमा पाहवा नजर आती हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उनके किरदार को थोड़ा सा और बिल्डअप किया जा सकता था, उनकी कहानी को थोड़ा सा और अच्छे से दिखाया जा सकता था। यहां थोड़ा सा डायरेक्टर साहब जो हैं चूक गए, अतुल मोंगिया ने इस वेब सीरीज को बनाया है, ये पहला उनका डायरेक्टोरियल डेब्यू है और उन्होंने अच्छा काम किया है, अच्छा अटेम्प्ट किया है। देखिए, ये वेब सीरीज 6 एपिसोड्स की है, लगभग सारे एपिसोड्स 45 से 50 मिनट के हैं। कहीं कहीं ये वेब सीरीज आपको थोड़ी सी स्लो लगती है, कहीं कहीं आपको लगता है कि कहानी थोड़ी तेजी से आगे बढ़नी चाहिए, लेकिन फिर जब साक्षी तंवर स्क्रीन पर आती हैं तो आप भूल जाते हैं, आप उनके साथ उन्हीं की पेस पर कहानी के साथ चलने लग जाते हैं। और यही खूबसूरती है साक्षी तंवर की एक्टिंग की, जो इस वेब सीरीज की इस कमी को बहुत आसानी से छिपा ले जाती है। देखिए, अगर आप एक शानदार एक्टर ले लेते हैं ना एज अ लीड, तो कहीं ना कहीं आपके कंटेंट में अगर कोई थोड़ी बहुत कमी रह भी जाती है तो वो उसे अपने परफॉर्मेंस से कवर कर लेता है। यहां साक्षी भी वैसा ही करती है। अब ये वेब सीरीज देखें या नहीं देखें, तो मेरा ये रिकमेंडेशन है कि इस वेब सीरीज को जरूर देखिए। ये वेब सीरीज एक मां की ऐसी कहानी दिखाती है जो कहीं ना कहीं आपके दिल को छुएगी। जी हां, और अगर साक्षी तंवर के फैन हैं तब तो आपको ये वेब सीरीज बिल्कुल देखनी चाहिए, और अगर साक्षी के फैन नहीं है तो यकीन मानिए इस वेब सीरीज को देखने के बाद आप उनके फैन हो जाएंगे। और मेरा मानना है कि विमेन ओरिएंटेड ये जो कंटेंट है, विमेन ओरिएंटेड ये जो वेब सीरीज है, इसे जरूर देखा जाना चाहिए, क्योंकि हम हर बार वही हीरोज को देखते हैं जो 20 गुंडों को मार रहे हैं या फिर जो लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं, लेकिन यहां एक मां है
जो नर्स है वो किस तरह से बड़े बड़े क्रिमिनल्स का सामना करती है, ये कहानी देखी जानी चाहिए, समझी जानी चाहिए, महसूस की जानी चाहिए। तो मेरी तरफ से 5 में से मैं इसे 3.5 स्टार दूंगा। अगर ये थोड़ी सी छोटी होती तो मुझे लगता है इसको 0.5 या 1 स्टार और दिया जा सकता था, लेकिन तब भी ये वेब सीरीज देखनी बनती है।